देखिए भाई, इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में कौन कब मार दिया जाएगा? अब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ या वहाँ की पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट किलर भी कहा जाए तो कोई करके वहाँ पे इनका बीजेपी के नेता तेलंगाना में कह रहे हैं हम ओबीसी का यहाँ मुख्यमंत्री बना गए। ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं तो कौन सा ओबीसी वालों का भला कर दिए? कोई किए कहीं? कुछ नहीं किए, ओबीसी का भला करने चले हैं। नाचने आवे आंगन टेढ़ा। और उमा भारती जी ने कहा था माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि ये मोटा भाई ये जो है विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। ये उमा भारती जी ने कहा था। अभी सतपाल मलिक साहब का बयान आप लोगों ने सुना ही है। ये तमाम तरह की, अभी आप बताइए कौतर में हमारे 8 पूर्व नेवी अफसरों का सजाए मौत दी गई है। जयशंकर प्रसाद जो हैं ये विदेश मंत्री, इनको चुल्लू भर पानी में मुख पे काली पोत करके मर जाना चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ये छछुन्नर की तरीके से हर जगह कूद जा रहे हैं। बयान क्या क्या दे जाएंगे? कुछ नहीं। अरे भाई, केंद्रीय नेतृत्व से आपको परमिशन लेकर के, चाहे माननीय पंडित राहुल गांधी जी से या इंडिया की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से या इनसे क्या बोलते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आपको पूछ के जाना चाहिए पार्टी की रणनीति क्या है। आप क्या बयान दे दोगे? कभी इंडिया गठबंधन के लिए बयान दे दोगे, कभी कोई बयान दे दोगे? पार्टी की रणनीति है कि आजम खान से नहीं मिला जाएगा मुस्लिम नेता से। देखिए, मेरे कहने का प्राय ये है कि यहाँ से नीति निर्धारण करके और एकदम परमिशन लेकर के जाइए, बकायदा आप मिलिए और आप वैसे बिना सूचना कि आप चले गए सीतापुर जेल। आजम खान जी दूसरे पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, आप उनके विपत्त में उनका सहयोग करना चाहते थे, साथ देना चाहते थे, लेकिन आजम खान साहब को आपका साथ नागवार गुजरा, वो आपसे नहीं मिलना चाहते थे, मिलने से इनकार कर दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो सेकुलरिज्म की राजनीति किया हो वो व्यक्ति आपसे नहीं मिलना चाहता है तो आपको नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप इंडिया गठबंधन के बारे में आपको कोई बयान देने का कोई औचित्य नहीं, कोई अधिकार नहीं बनता है। तीसरी बात, आपको अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में संगठन नाम की कोई चीज है नहीं। जैसे ही यूपी में अति थर थर कांप रहा था, अब आजम खान कह रहे हैं एनकाउंटर हो जाएगा, डर लग रहा है आजम खान को। देखिए भाई, इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में कौन कब मार दिया जाएगा? अब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ या वहाँ की पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट किलर भी कहा जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा। इनकी लापरवाही का नतीजा ये है कि कानपुर में दो ब्यूरोक्रेटों ने दो ब्राह्मण माँ बेटी को जिंदा जला दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ ब्यूरोक्रेटों की, अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग की लापरवाही से 6-6 हत्याएं देवरिया में हो गई। इनके एक विधायक है तो ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। अरे भाई, समाज में पीड़ित दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ जाकर के मिलना चाहिए। माननीय अजय राय से पूछिए कि देवरिया गए थे, इनका कोई प्रतिनिधिमंडल गया था? नहीं गए। आपको जनता से मिलने में शर्म लगती है? आपकी जमीन जोत ली कि अजय राय लगा रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका पार्टी ने उनको भरोसा किया है ना, पार्टी ने भरोसा किया है तो पार्टी को डुबोने के लिए है? आपको देवरिया में जो 6-6 हत्याएं हो गई उसमें नहीं जाना चाहिए कुशल क्षेम पूछने? ये तो इंसानियत है, मानवता है ना। जनता, अगर मान लीजिए कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, हो जाता है, दैवीय दुर्घटना हो जाती है, चले गए, क्या दिक्कत है आजम खान से मिलने? पेट में दर्द क्यों हो रहा है आपके? मैं कह रहा हूँ कि देवरिया जाने को आपको फुर्सत नहीं थी और चमचागिरी करने चले गए वहाँ, और क्या उसका परिणाम क्या निकला? दूधकार दिए गए, संदीप जी ने भेजा होगा दूध। अब कोई जी भेजा, उससे हमको नहीं मतलब। आपको आधिकारिक लेटर प्राप्त हुआ हो तो जाइए। यहाँ तो उनका आईपी सिंह अनाप शनाप बयान देते रहते हैं कि कौन बीजेपी के एजेंट है, कांग्रेस में घुसे हुए हैं, तमाम नाम
ये बताइए, आपका गठबंधन क्या वहाँ पर नहीं है मध्य प्रदेश में? जाओ देखिए, पहुँच गया अखिलेश यादव। देखिए मैं आपको चिरकुट कह रहे हैं, चिरकुट। मैं आपको एक बात बता दूं, कि चूंकि हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से अखिलेश जी को बात करनी चाहिए थी, लेकिन और कोई बयान दे और उस पर आप पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं और इस तरह से भद्दी टिप्पणी करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आपको शोभा नहीं देता। एक पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भले ही वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो शोभा देता अखिलेश कह रहे हैं आप लोग। जो माननीय कमलनाथ जी हैं, इनके पिता की उम्र के हैं, समझ रहे हैं, इनके पिता की उम्र के हैं। अब माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर मुझे कुछ कहते हैं, डांटते हैं, तो मेरे पिता की उम्र के हैं। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी अगर कुछ कहती हैं तो वो अकेले में डांटेंगे, मीडिया के सामने थोड़ी बदतमीजी। अरे कह दिए बात गई, आई और गई, इतने से नहीं गठबंधन पे कोई फर्क पड़ने वाला है। और कोई किसी का नहीं, ये इन्होंने जो चिरकुट फिरकुट बनाया है, अगर इनके खिलाफ हम लोग बयानबाजी करना शुरू करते हैं तो हमारे इनमें अंतर क्या रह जाएगा? गठबंधन मजबूत ही नहीं है, दिसंबर में टूट जाएगा तो दिसंबर को खत्म हो जाएगा गठबंधन। मनो आप भविष्य वक्ता हैं क्या? हाँ। आ कि आप जो है आपको कॉन्टेक्ट मिला हुआ है कि गठबंधन तोड़वाने का? मोदी जी ने कुछ माल ओल दिया है? हम थोड़ी तोड़े, कमलनाथ जी और अखिलेश जी तोड़ रहे हैं आपके। भाई देखिए, ये गठबंधन जो बना है, ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे बना है, लोकसभा चुनाव को लेकर के बना है। भाई आपको लड़ाना है, लड़ाइए। आम आदमी पार्टी को लड़ानी है, लड़ा रहे हैं लोग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन IGTs है, बना रहेगा। ये हमारे गोविंद भाई अटलपुरिया जी हैं, हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं, हमारे साथ चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये भी दलित परिवार से आते हैं। मैं चाहता हूं कि इनको टिकट मिले और हम लोग चल करके सहयोग करके एक दलित व्यक्ति को, मैं तो भाई बाईकास्ट ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से, माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से और सचिन पायलट जी से अनुरोध करूंगा, तो कम से कम इस दलित का भला कर दो, ईमानदार आदमी है, सज्जन आदमी है। अरे खाली कहने की बात है, ओबीसी मध्य प्रदेश में ओबीसी को टिकट नहीं दिया। कितने ओबीसी को दिया है? प्रधानमंत्री आज जाकर के वहां पे इनका बीजेपी के नेता तेलंगाना में कह रहे हैं हम ओबीसी का यहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए। ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं तो कौन सा ओबीसी वालों का भला कर दिए? कोई किए? कहीं कुछ नहीं किए, वो ओबीसी का भला करने चले हैं। नाचने आवे आंगन टेढ़ा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, इसमें ओबीसी का सेंसस की बात करेंगे, विधेयक लाएंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे, उसके बाद CNRC भी ला देंगे, ताकि जानते हैं ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता बीजेपी RSS वालों की हो। CNRC का नाम लेके मुसलमानों को डराना चाहते हैं, फिर अपनी तरफ वोट खींचना चाहते हैं आप लोग तो। भाई साहब, हम तब भी उनके साथ खड़े थे, हम आज भी उनके साथ खड़े हैं। हम इंसान हैं, हैवान नहीं हैं। ये लोग हमको वोट नहीं दिए तो भी साथ हैं, नहीं दिए तो भी साथ हैं। वोट भाई सभी जनता जनार्दन जो वोट देती है देश के विकास के लिए, और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी ने कहा था माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि ये मोटा भाई ये जो है विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है, ये उमा भारती जी ने कहा था। अभी सतपाल मलिक साहब का बयान आप लोगों ने सुना ही है, ये तमाम तरह की। अभी आप बताइए कौतर में हमारे 8 पूर्व नेवी अफसरों का को सजाए मौत दी गई है। जयशंकर प्रसाद जो हैं, ये विदेश मंत्री, इनको चुल्लू भर पानी में मुख पे काली पोत करके मर जाना चाहिए।
और इसराइल से आके इस पे खबर करेंगे। हाँ अभी रूबी का लियाकत इसराइल पहुंची हुई है, वहाँ की खबरें दिखा। अरे का वो झंडुओं झंडू चमन परासों की बात करते हैं आप? ये कतर वाली बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे 8 नेवी के पूर्व अफसरों को सजाए मौत दी गई है। हमारे रॉबिन हुड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को थोड़ी भी लज्जा शर्म बची हो तो टुल्लू भर पानी में डूब मरे कि आपके देश के नागरिकों को वहाँ आरोप जानते क्या लगा है? इजराइल के लिए जासूसी करने का। हमारे नेवी अब पूर्व मोदी जी ले आएंगे, वापस ले आएंगे। कहाँ हो गया भैया, एक अब 2 या 4 दिन में फैसला हो जाए, एक हफ्ते में हो जाएगा? पूरी दुनिया झुकती है मोदी जी के साथ। कहीं झूठ कोई नहीं झुकता है। हाँ। इनकी बात तो मणिपुर वाले मानने को तैयार नहीं है। हाँ। अब पूरी दुनिया झुक रही है। हाँ। अभी 90 अंश के कोण पर ममता जी के सामने झुकना शुरू किए हैं, गलहो साहब के सामने झुकना शुरू किए हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ कह रही हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ तो वो खुद झुकी हुई है उनके सामने। हाँ उनकी बात और गधे की बात दोनों बराबर।